साधिके शृंगे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव सर्वम मम देव देवा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तीन पहर धंधे गया और चार पहर गया सोए, एक पहर हरि नाम बिन तेरी मुक्ति कैसे होए। सब द्वारन को छोड़ के मांगो तिहारो द्वार, हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। संत हमारी आत्मा हमें संत सिर मोर सबको सीता राम अपनी ठोर। अंत समय में हे प्रभु जब काल चलावे चोट तब पूनम को लीजियो प्रभु पीतांबर की ओट। आइए दो मिनट प्रभु के चरणों में वंदना। जब से देखा तुम्हें और बाबा क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें और काना क्या हो गया, ओ खाटू वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ खाटू वाले बाबा मैं तेरा हो गया। दोनों हाथ ऊपर ढके हरि वो चरणों में। एक बार चली आओ फिर आके चली जाओ
कहता है मैया एक तेरा भरोसा है, एक तेरा भरोसा है, बिगड़ी को जाना बोली गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, संत समाज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आदरणीय समक्ष श्रोता बंधु, आदर के बुजुर्गो, प्यार करने के बच्चों, सीता नसिया और सावित्री जैसी हमारी मात शक्ति दूर दूर से आए हुए हमारे आगंतुक महानुभाव, कथा पांडाल में बैठी हुई पवित्र आत्माएं, अर्चनी पूजनी बंदनी हमारे सतगुरुदेव भगवान एवं इस पावन भूमि को पवित्र करने वाले हमारे भगवान स्वरूप संतगढ़, आज इस पावन ग्राम में, पावन धरती पर कथा का सातवां दिवस है, यानी कि सप्तम दिवस है। बड़ी भ्राता जी बड़ी पावन चर्चा श्रवण करा रहे थे, उद्धव गोपी संवाद। महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, उद्धव गोपियों को ज्ञान देने के लिए गए थे, बुजुर्ग बैठे हैं दादा, सूत जी कहते कि ज्ञान देने गए लेकिन ज्ञान को धूल में मिला के वापस आ गए। गोपियों से कहा कि वो ब्रह्म है, तो गोपियां बोली अरे उद्धव बाको हम ब्रह्म कैसे बोलें, जाको हमने जरा सी छाछ पे माखन पे नचायो है। माँ से कहा कि वो ब्रह्म है, तो माँ जवाब देती कि उद्धव जाको हमने अपनो स्तन पान करायो, बाको हम ब्रह्म कैसे बोलें। और एक ही बात कही है ललिता ने कि उद्धव उधों मन न भये दस बीस, एक मन हतो सो गयो श्याम संग अब को राधे ईस, उधों मन न भये। एक ही मन था वो श्याम सुंदर लेके चले गए, अब दूसरा मन नहीं है जो हम आपको प्रेम की परिभाषा, वो ज्ञान की परिभाषा आपको समझा सके। बोले नहीं जानते, बोल बिल्कुल नहीं, उद्धव का ज्ञान धूल हो गया, जिसे हम ब्रह्म ब्रह्म चिल्ला रहे वो असल में तो इनके हृदय में समाया हुआ है। यहां उद्धव वापस आए जहां भद्रिका वन में रहते थे। ये जो कंस की पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति, उन्होंने जरासंध से कहा कि महाराज आप इतने वीर प्रतापी राजा हैं, आपके होते हुए बेटियां रढ़ापा भोग रही हैं, ये तो बहुत गलत बात है। जरासंध ने 17 बार मथुरा नगरिया पर हमला बोला, 18वीं बार काले बन को लेके गए, तो बुजुर्गो कृष्ण काले बन को देख के रड़ छोड़ के भागे। अब परीक्षित चिंता ये है कि वो ब्रह्मांड को हिलाने वाला कृष्ण, ब्रह्मांड को हिलाने वाला कृष्ण एक काले वन को देख के दौड़ पड़ा, वो भी पीठ दिखा के भागे। तो सूत जी बोले अरे बाबरे हो, वे जासे ना भागे कि उन्हें डर लग गया,
उसी दिन कृष्ण का नाम पड़ा रणछोड़। तो वो किस लिए भागे? बोले जो सेना आई थी ना, कई अक्षौणी सेना, उस सेना में ब्राह्मण भी थे, ठाकुर भी थे, क्षत्रिय भी थे, सब थे। तो भगवान ने विचार किया कि ऐसा न हो कहीं ब्राह्मण मेरे हाथों से मारा जाए और हमें ब्रह्म हत्या लग जाए। मैं यदुवंशी हूं और मुझे ब्रह्म हत्या लग गई तो आफत हो जाएगी। भगवान वहां से प्रवर्षण नाम की गुफा में प्रवेश कर गए। वहां मानधाता के बड़े पुत्र मुचकुंद जी सो रहे थे।